तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं देखी है तो आपका चैनल कभी ना कभी तो आपकी गलती की वजह से जो है आपका जो चैनल है वो अनमोनेटाइज हो जाएगा, या फिर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो वो मोनेटाइज नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी। क्योंकि दोस्तों, जो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनके चैनल पर व्यू बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं कि अदर कोई भी बड़ा यूट्यूबर होता है उनके सजेशन से ही जो है वो कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसकी वजह से वॉच टाइम कंप्लीट और जो है सब्सक्राइब कंप्लीट करने के कुछ ऐसे भी अभी तक ऐप्स हैं और वो भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। कुछ ऐसे ऐप्स जिनके वजह से जिनकी मदद से हम जो है अपने YouTube के जो चैनल का जो वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर का हमें जो कंप्लीट करना होता है वो हम उसके ज़रिए जो है उन ऐप्स के ज़रिए जो है कंप्लीट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी वजह से उन ऐप्स की वजह से हमारा जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर है वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जा कर के हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और हमारे चैनल पर व्यू नहीं आते तो हम क्या करते हैं दूसरे ऐप से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए हम उन ऐप्स का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाद में हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है और बाद में जो है हमारा चैनल डेड हो जाता है और बिल्कुल भी व्यू नहीं आते। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आप एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊँगा जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उसका डाउनलोड भी और वो जो है प्ले स्टोर में मिलियन ऑफ में जो है उसके डाउनलोडिंग है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपके लिए भी जो है एक न्यूज मिल सके, आप भी इस ऐप्स का यूज ना करें। उस ऐप्स का नाम है YT Love। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से जो है काफ़ी सारे यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, मैं उन यूट्यूबर का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई बड़े बड़े यूट्यूबर है जो कि उस YT Love ऐप को जो यूज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये ऐप हमें यूज नहीं करना होता है। क्योंकि इस ऐप्स को मैंने भी यूज किया है और मैं यूज करके ये आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा और मैंने जिस वीडियो पर उस ऐप्स को यूज किया उस वीडियो में जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उस वीडियो में अभी व्यू आ रहे या नहीं आ रहे, उस वीडियो में जो है सारा जो मैं इस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पास में मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्ले स्टोर में कितने सारे ऐप्स हैं जो कि हमारे जो चैनल का वॉच टाइम और 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए ये ऐप्स इतने सारे कंपनी वालों ने दिए हैं, वो भी प्ले स्टोर में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों को यानी कि जो न्यू यूट्यूबर होते हैं उनको नहीं पता है कि ये ऐप्स यूज करने से हमारा चैनल मोनेटाइज ना होकर के अनमोनेटाइज भी हो सकता है, तो इन ऐप्स को वो जो है यूज करते हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, इन ऐप्स को मत यूज करिया करें। और सबसे जो अभी फ़िलहाल चल रहा है ट्रेंडिंग में, उस ऐप्स का नाम है YT Love। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप्स को जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर जो है यूज कर रहे हैं, अपने चैनल में व्यू तो ला रहे हैं, लेकिन उनको शायद नहीं पता कि उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर ऐसे ही वो इसको यूज करते रहे और ऐसे ही जो है वॉच टाइम गेन और सब्सक्राइबर गेन करते रहे। तो क्योंकि यूट्यूबर को सब पता चलता है कि कहाँ से व्यू आ रहे, किस ऐप्स के जरिए ये जो व्यू लाए जा रहे, व्यू अपने आप आने चाहिए दोस्तों। यूट्यूब सच से व्यू आने चाहिए और जो है ब्राउज फीचर से जो है व्यूज आने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को डालोगे, इस ऐप से अगर आप व्यू लेकर आओगे तो यहाँ पर वीडियो के जो एनालिस्टिक होती है उसमें बता देगा कि ये जो सारे व्यू आए हैं वो जो है एक्सटर्नल आए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम किसी के लिंक शेयर करते हैं और वो देखते हैं उस वही एक्सटर्नल है दोस्तों, इसी तरह इसमें भी जो है एक्सटर्नल करके जो है हमें व्यू लाए जाते हैं। तो मैं आपको एक मेरा जो वीडियो मैंने बनाया उस ऐप्स में डाला था, पहले तो इस ऐप्स का आप आइकन देख लीजिए, इस ऐप्स को मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इस ऐप्स है दोस्तों, इसमें आप अपने जिस वीडियो में भी आप व्यू लाना चाहते हैं उस वीडियो की लिंक आपको इस ऐप्स में पेस्ट करनी होगी, फिर ये ऐप्स जो है आपके उस वीडियो पर व्यू लाना स्टार्ट कर देगा, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो आप इन सभी ऐप्स को मत यूज किया करें, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप अच्छे कंटेंट के साथ अपना वीडियो बनाइए, एक
यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो एक अच्छा सा बनाइए, और प्लेलिस्ट वगैरह आप सभी सही तरीके से अपने चैनल को बनाइए, सजाइए, फिर आपका एक, लेकिन दोस्तों आपका वीडियो में जान होनी चाहिए, आपके वीडियो जो है, आपका जो वीडियो उसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, और जो वीडियो HD क्वालिटी में होना चाहिए, इतनी भी HD क्वालिटी में नहीं कि कैमरे से आप शूट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो अपने स्मार्टफोन से जो है अपने वीडियो को शूट करते, और मैं भी स्मार्टफोन से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छा कंटेंट डालिए अपने चैनल पर, और हाँ दोस्तों मैं भी एक न्यू यूट्यूबर ही हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल में जाकर के मेरे सभी वीडियो को एक बार देख के आइए, कितने व्यू आए हुए हैं, मैंने इतने मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर इतने व्यू क्यों आए न्यू यूट्यूबर के। दोस्तों आपको पता होगा कि 50 से ज़्यादा व्यू नहीं आते, लेकिन दोस्तों जब आप मेरे पहले वाले और अब वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें काफ़ी सारा फ़र्क नज़र आएगा। मैंने पहले पहले वाले जो 5-6 वीडियो है उसमें जो है 5,000 के आसपास जो है व्यू आए हुए हैं, दोस्तों अब वाले वीडियो है उसमें व्यू इतने नहीं आते, क्योंकि मैंने जो पहले वाले वीडियो बनाए थे वो जो है पूरे यूट्यूब में वो वीडियो कहीं पर नहीं थे, मैंने एक अनबॉक्सिंग भी किया था स्नैक का, और वो पूरे यूट्यूब में जो है उसका अनबॉक्सिंग नहीं है, इसलिए उस वीडियो पर भी मेरे 2300 व्यू आ गए अंदाजन, मेरी अब तो 2500 या 3000 के आसपास पहुंच चुके होंगे। दोस्तों आप मेरे पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के, अब वाले वीडियो भी देख सकते हैं, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल पर व्यू क्यों आए उस वीडियो पर, तो दोस्तों आप मेरे चैनल का जो वीडियो का कंटेंट है वो एकदम बेहतरीन रखा है, और यूट्यूब पर कोई वीडियो अवेलेबल भी नहीं है। दोस्तों आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपके दिमाग में जो भी आए दोस्तों कि ये जो है मैंने पब्लिक को बताना है तो उस पर आप जो वीडियो बना सकते हैं। ये वीडियो है तो मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, मेरे को लगा कि हाँ मैंने इस ऐप्स को यूज़ किया, मेरे को लगा कि हाँ इस जो है एक्सटर्नल सोर्स से जो है व्यू आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर ही जो है वीडियो बना दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आप जो है ऐसी गलती ना करें। मैंने सिर्फ उस एक वीडियो में गलती की है तो आप उस गलती को ना दोहराएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बाकी किसी भी वीडियो में ऐसी गलती नहीं की, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसका SEO स्कोर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, आपको टैग सही से लगाने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आप इन ऐप्स को यूज मत किया कीजिए, आप एक अच्छा सा जर्नल कंटेंट बनाइए। जी हाँ दोस्तों, ताकि लोग उसे देखते रहे, और वीडियो का जो टाइमिंग है वो बहुत ही छोटा रखे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो का जो टाइमिंग है फिलहाल समझाने में मेरा वक्त चला गया, लेकिन दोस्तों इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये भी बड़ी हो गई, लेकिन मैं जो कोई भी वीडियो बनाता हूँ वो जो है छोटी वीडियो बनाता हूँ, 5 मिनट की बात 2 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जितनी छोटी हो सकती है उतना छोटा वीडियो बनाइए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है हमारे वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन भी बना रहेगा, और वीडियो अगर 6 मिनट की है तो कुछ लोग क्या करेंगे उसे 1 मिनट ही देख करके चले जाएंगे, इसकी वजह से आपके चैनल पर व्यू भी इसकी वजह से आपके वीडियो पर व्यू भी नहीं आते। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के कर दीजिए दोस्तों, और हाँ लाइक करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, कमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करते, आप कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या नॉलेज सीखने को मिला है वो भी आप कमेंट में बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।